एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 8 क्वेश्चन नंबर 53। ग्रोह में शामिल ना होने वाले रुकन को पहचानो। ऑप्शन नंबर 1 दरख, शजर, पेड़, अखवा। ये तमाम नाम एक ही चीज के नाम है, दरख, शजर और पेड़। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 अखवा, ये पीठ से निकलने वाले कोपल को कहते हैं जो जमीन से मुखालिफ सिमत में निकलता है, इसलिए हमारा जवाब होगा अखवा। नंबर 1 आलू, नंबर 2 मूली, नंबर 3 गाजर, नंबर 4 भेंडी। इसमें ग्रोह में शामिल ना होने वाला लफ्ज भेंडी होगा, क्योंकि आलू, गाजर और मूली ये जमीन के अंदर बढ़ने वाले हिस्से हैं जो कि जड़ के तौर पर काम करते हैं, लेकिन हम इसे गिजा के तौर पर खाते हैं। लेकिन भेंडी पौधे पर लगने वाला फल का हिस्सा है, फल है, इसलिए हमारा जवाब होगा भेंडी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें से ग्रुप में शामिल ना होने वाली शक्ल को पहचानना है। अगर हम पहली शक्ल को तमाम शक्लों से मिलाकर देखें, तमाम शक्लें एक जैसी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जिसके अंदर उभरा हुआ हिस्सा सीधी जानिब है, बाकी के तमाम शक्लों के अंदर ये जानिब दाई जानिब है, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवालिया शक्ल में पोशीदा शक्ल को मुतबादिल से मुंतखिब करना है। सवालिया शक्ल के अंदर पूरी शक्ल दिखाई गई है, जबकि जवाबी शक्लों के अंदर उस शक्ल का कुछ कुछ हिस्सा दिखाया हुआ है। अब हमें यह देखना है कि कौन सी शक्ल सवालिया शक्ल से मिलती है। ऑप्शन नंबर मुंतखिब करके देखेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ हिस्सा ज्यादा है, ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। दूसरी शक्ल को मिलाकर देखेंगे, इसके अंदर पूरा हिस्सा सवालिया शक्ल से मिलता जुलता है, इसलिए यही हमारा जवाब होगा। तीसरी शक्ल पर मुंतबिक करके देखें तो इसमें बहुत सारे हिस्से जायद हैं, ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। चौथी शक्ल पर मुंतबिक करके देखें तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हिस्से जायद हैं, ये भी हमारा जवाब नहीं होगा, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ज़ैल के सिलसिले में सवालिया निशान के मकाम पर आने वाले रुकन के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब करो। तमाम शक्लों के अंदर हमें अगर गौर करें तो तारा और तीर का निशान ये सीधी जानिब घूम रहे हैं, जबकि दायरा ये उल्टी जानिब घूम रहा है। इसलिए चौथी शक्ल हमारी इस तरह बनेगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर मौजूद है, इसलिए हमारा जवाब होगा मुतबादिल 1 ऑप्शन नंबर 1।